कांगड़ा जिला में एक बार फिर से कोविड-19 के मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि 2 सप्ताह पहले जिला में पॉजिटिविटी रेट जो 0.68% था, वो अब बढ़कर 1.2% हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अब जो मामले सामने आ रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से आ रहे हैं। विभाग का कहना है कि प्रयास किया जाएगा कि इस माह के अंत तक जिला में वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित आयु सीमा पूरी करने वाले लोगों को 100% वैक्सीनेट किया जा सके। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि फिर से मामले बढ़ना शुरू हो गए हैं। यदि लोगों ने कोविड नियमों की अनुपालना के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी तो ऐसा ना हो कि फिर से पहले जैसी स्थिति हो जाए। सीएमओ ने बताया कि 2 सप्ताह पूर्व जिला में पॉजिटिविटी रेट 0.68% था, जो बढ़कर 1.2% पहुंच गया है। वर्तमान में लोग डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला में 18 आयु वर्ग की आबादी के 12 से 13 लाख के लगभग लोग हैं, जिनमें 75% को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 23% लोगों को दोनों डोजें दी जा चुकी हैं। सीएमओ ने बताया कि हमारा प्रयास रहेगा कि वैक्सीनेशन के लिए निर्धारित आयु सीमा वाले पात्र लोगों को इस माह के अंत तक 100% वैक्सीनेट किया जा सके। लगभग हमारे पास 46,000 से ज़्यादा कंफर्म्ड केसेस आए हैं अभी तक। अनफॉर्चुनेटली इसमें से 1,039 लोगों की मृत्यु हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या जो है 214 के आसपास है कल शाम तक। पिछले कुछ दिनों में जो कोविड के नए मामलों की संख्या में अचानक धीरे धीरे बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, जो हमारा केस पॉजिटिविटी रेट लगभग 2 सप्ताह पहले 0.68 था, वो बढ़ करके 1.2 के आसपास पहुंचा है। जो एक्टिव केसेस की संख्या भी में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। इसके लिए जो है नॉर्मल जो प्रक्रिया है, जो बचाव के नियम हैं, हर एक को उसका पालन करना पड़ेगा। जब तक हर एक नागरिक कोरोना की बचाव के बारे में सजग नहीं होता, उन नियमों का पालन नहीं करता, तो हो सकता है हम दोबारा से पहले वाली स्थिति में ही के ना पहुंचे। तो यह है, ये फोर्टनाइटली इसका मामलों का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। जो लास्ट फोर्टनाइट में हमने 32 सैंपल्स आईएसबीटी पालमपुर और आरपीएमसी टांडा से जीनोम सीक्वेंसिस के लिए भेजे थे, उसमें से 30 मामले जो थे वो डेल्टा वेरिएंट के पाए गए। तो प्रीडोमिनेंट वो ये दर्शाता है कि प्रीडोमिनेंट इन्फेक्शन जो इस वक्त कम्युनिटी में स्प्रेड कर रही है वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से। अब जो है जो पात्र है कोविड टीकाकरण के, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की आयु का है वो इसके पात्र हैं। उसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जिला में लगभग 12,13,000 के आसपास है। उसमें से हाल लगभग 75% लोग ऐसे हैं, जो पात्र ऐसे हैं जिनको कम से कम कोविड टीकाकरण की एक डोज दी जा चुकी है कल शाम तक, और लगभग 23% लोग हैं जिनको दोनों डोजेस प्राप्त हो गई। और ये अभियान जो है बड़े स्तर पे सारे जिला में जारी है, और हमारा लक्ष्य है कि हम शीघ्र से शीघ्र 100% जो पात्र व्यक्ति हैं उनका टीकाकरण किया जा कर सकें।